कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और जमशेदपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिष्टुपुर में किया, जहां उन्होंने न्यूनतम मजदूरी का मुद्दा उठाया जिसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है। डॉक्टर अजय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी पूर्वी विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। आज का प्रेस वार्ता जो एक प्रमुख विषय पर था, आपको मालूम है कि हमारे न्याय पत्र में श्रमिक न्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसमें श्रमिक न्याय में जो है हमने स्वास्थ्य अधिकार, सभी श्रमिक को श्रम का सम्मान, शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित रोजगार पर हमारी जो है अलग अलग उस पर जो चैप्टर्स रहे हैं। हमारे एक साथी आप में से कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में हमारा कमिटमेंट था कि कोई भी परमानेंट नेचर ऑफ जॉब को जो परमानेंट होने की आवश्यकता है वो हमारी कमिटमेंट है। लेकिन आज का प्रेस वार्ता एक खास विषय पर है कि मुख्यमंत्री जी चंपा सोरेन जी ने 11 मार्च 2024 को एक न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम पास किया था और उसके चलते जो है हर एक अलग अलग वर्ग को कम से कम 15% की जो है बढ़ोतरी कानूनी तौर से मिलने के लिए उद्योग को निर्देश दिया गया। अब वो दो पार्ट में है, 90 उद्योग हैं उसमें से ख और ख भाग में है, लेकिन जमशेदपुर शहर जो है एक अलग कैटेगरी, इंडस्ट्रियल टाउन को एक कैटेगरी में रखा गया और उसके जो रेट्स मैं बताता हूँ जल्दी से, अकुशल के लिए पहले 352 रुपये थे, अब 468 हो गया है, तो 116 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी है। अर्धकुशल के लिए 369 था, अब 451 हो गया है अर्धकुशल के लिए। कुशल लिपिका के लिए कंप्यूटर ट्रेंड व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर के लिए वो 486 का था मान, रोज का मानदेय, अब जो है उसको जो है बना दिया 647 और अति कुशल के लिए 562 को जो है अब 746 कर दिया है। बी कैटेगरी का बाकी जो है प्रेस रिलीज में हम आप बता देंगे। तो हमने ये भी कहा कि देखिए उद्योग और चेंबर ऑफ कॉमर्स की कुछ समस्याएं थी और हम उस समस्या को समझते भी हैं क्योंकि लेकिन जब तक उद्योग और सरकार आपस में बैठ करके बात नहीं करेंगे तो इसको लागू करना संभव नहीं है। लागू इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 20 लाख से ऊपर जो है मजदूर लोग हैं जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र, लेकिन उद्योग की जो चुनौती है उनको क्या फायदा चाहिए बिजली के दर में हो, टैक्स के मामले में हो। तो मैं चंपाई सोरेन जी से मैंने चिट्ठी भी उनको लिखा और मैं अनुरोध करता हूँ जल्द से जल्द सभी को बुलाए और एक सम्मान पूर्वक जो है बीच वाला रास्ता निकाल दे ताकि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले और उद्योग भी जो है बढ़ते जाए।